बिलासपुर में एम्स के लिए हुआ भूमि पूजन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण पर खर्च होंगे 1,351 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैहन को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा। फतेहपुर में मिनी सचिवालय भवन की रखी आधारशिला। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन 28 फरवरी को ऊना में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी टिप्स। टॉस नदी पर बनने वाले किशाऊ बांध प्रोजेक्ट पर हिमाचल ने जताई आपत्ति, सरकार ने केंद्र के समक्ष हिस्सेदारी की रखी मांग। गणतंत्र दिवस से 25 अप्रैल तक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक कालका शिमला पर चलेंगी आधुनिक सुविधाओं से लैस नई ट्रेन, 96 किलोमीटर का सफर 4 घंटे 40 मिनट में करेगी पूरा। रामपुर में लोसर उत्सव की धूम, किन्नौर जिला की संस्कृति ने बिखेरे रंग, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया त्योहार। हमीरपुर से 4 करोड़ रुपए से बनाई जाएंगी हाई ग्रेड क्वालिटी की 4 सड़कें, 2 फुट नीचे तक होगी 3 लेयर की सोलिंग। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे मुख्य अतिथि, भव्य परेड होगी मुख्य आकर्षण। रोहडू की नंदपुर पंचायत के लोगों ने धुआं रहित पंचायत बनाने के लिए शपथ, खाली स्थानों पर पौधरोपण करेंगे गांववासी। किन्नौर जिला की मीनाक्षी ने खेलो इंडिया में पुणे में बॉक्सिंग की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन शशि चोपड़ा को दी मात, जीता गोल्ड मेडल। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व वर्षा जारी, लाहौल घाटी में बर्फबारी से अंदरूनी सड़कें बंद, अगले 24 घंटों में भी बर्फबारी जारी रहने के आसार।